जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की बड़ी कार्यवाही। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लूट करने वाली गैंग का सरगना रहीश खान को किया है गिरफ्तार। शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर चालकों को झांसा देकर ट्रकों में बैठ रास्ते में देते थे वारदात को अंजाम। करीब 40 लाख कीमत के टायर लूट की वारदात का खुलासा कर 200 टायर किए जब्त। हाईवे पर करीब 6 साल से सक्रिय है यह गैंग। अपराधी अक्सर खुद के ही मेव समाज के चालकों का हुलिया पहचान उनको चिकनी चुपड़ी बातों बातों में फंसा पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर देते हैं लूट को अंजाम। शाहजहांपुर SHO सुरेंद्र सिंह व चौपान की SHO मुकेश कुमार के नेतृत्व में भिवाड़ी DST टीम के सदस्यों ने किया है आरोपियों को गिरफ्तार। मामला इस प्रकार है कि 26 जून को शाहजहांपुर थाने में चालक हैदर अली पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी फिरोजपुर झिरका ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह मेरठ से टायर लोड कर वडोदरा जा रहा था। दिनांक 26 जून को शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर दो लोगों ने करीब 4:30 बजे मुझे रुकवाया। उन्होंने चालक से जयपुर छोड़ देने की बात कही। चालक ने जात समाज के लिहाज से उनको बैठा लिया। दोनों आरोपियों ने अजमेर बाईपास के पास एक होटल पर लघु शंका के लिए ट्रक रुकवाया। उनमें से एक व्यक्ति होटल से काले रंग की कोल्ड ड्रिंक लाया जिसमें नशीला पदार्थ मिलाकर चालक को चालाकी से पिला दिया जिससे चालक बेहोश हो गया और आरोपी गन टायरों से भरे ट्रक को लूट चालक को बेहोशी की हालत में खाली ट्रक के साथ दौसा के निकट छोड़ गए। मामले की संगीनता को देखते हुए पुलिस उच्चाधिकारियों ने शाहजहांपुर SHO सुरेंद्र रावत एवं चौपान की SHO मुकेश कुमार के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिर एवं DST टीम के सहयोग से लूट के सरगना रहीश खान पुत्र इशरा मेव निवासी उतावर पलवल हरियाणा FKU मख्तर पुत्र मेहराजुद्दीन पठान निवासी आदर्शनगर जयपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह उक्त लूट को अंजाम देकर जयपुर में बबलू पठान को उन्हें पौने दामों में बेच देते हैं जो बबलू पठान पूर्व में ही लूट के मामले में जयपुर जेल में बंद है। पुलिस आरोपियों से हाईवे पर हुई अन्य वारदातों के सुराग लेने में प्रयासरत है।